Hello students, I'm Sonika Rumba and today I'm here to teach you Freedom Struggle Before Mahatma Gandhi, that is from 1857 to 1950 of class 5 and subject is SST. Okay, so today we will do part 1. Okay, so today we will do part 1. तो आज हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी, दैट इज़ फ्रॉम 1857 टू 1915. तो लास्ट क्लास वी डिड रिवोल ऑफ 1857, है ना, रिवोल ऑफ 1857 कैसे हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था, है ना, और ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, डिफरेंट जो फॉर ट्रेडर्स है ना, आउटसाइडर्स, वो कैसे इंडिया में आए, वो सब हमने लास्ट क्लास देखे थे. तो आज की क्लास में जो आफ्टर 1857 क्या हुआ, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 ये जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है ना, पर महात्मा गांधी आने से पहले क्या हुआ, वो आज हम आज की क्लास में देखेंगे. सो अंडर दिस वी विल लर्न सोशल रिफॉर्मर्स, है ना, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्मर्स था जो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किया है ना, सोशल रिफॉर्म्स बहुत हुआ है ना, बहुत अच्छा अच्छा हुआ. तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स था, जो फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, है ना, हमारे लिए जो भी किया, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन था उसके बारे में हम देखेंगे. एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि INC भी बोलते हैं हम इसे, है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ INC कैसे हुआ वो हम देखेंगे. एंड द वन इज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. सो ये जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किए थे, है ना, इंडिया में आके, तो ये पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल क्या है, कैसे किया, वो आज हम देखेंगे. एंड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, सो आफ्टर दिस ऑल दिस इंडिपेंडेंस, है ना, जो इंडिया इंडिया जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने लगे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, है ना, ये क्या है, क्या था उसका वे, ठीक है, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस वो हम देखेंगे. Now let's start first, we will have a short introduction. Okay, so last class we learned that revolt of 1857 है ना, जिसकी revolt of 1857 हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, है ना, उसके पहले क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जहाँ पर बंगाल ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद टोटली कंट्रोल किए थे बैटल ऑफ बक्सर, है ना, और बहुत ऑपरेश करने लगे, है ना, बहुत एक्सप्लॉइट करने लगे फार्मर्स को, और जो भी इंडिया में अपना खुद का इंडस्ट्री बनाना नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स, है ना, ये से एक्सप्लॉइट करने लगे. एज फार एज पॉसिबल ब्रिटिशर्स इंडिया से बहुत वेल्थ अपने देश में ले जाने लगे, है ना, ब्रिटिशर्स ने. सो ये हुआ, और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो रिवोल 1857 जब मेरठ से स्टार्ट हुआ, रिवोल 1857 में नाना साहेब और जो झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, ये सब रिवोल 1857 में मंगल पांडे एंड ऑल, है ना, रिवोल 1857 में पार्टिसिपेट किया. पर ये रिवोल 1857 इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो ये सब होने के बावजूद भी इंडिया वॉज डिफीटेड इन द रिवोल ऑफ 1857. सो इसका वजह क्या था, इसका रीज़न क्या था, जो रिवोल ऑफ 1857 में इंडिया हार गए थे ना, इसका रीज़न क्या था वो हम देखें, क्योंकि इंडिया में एक यूनिटी नहीं था, है ना, जो एक यूनिटी होना चाहिए वो नहीं था. सो ये जो यूनिटी एंड प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं था, है ना, रिवोल्ट के टाइम जो लीडरशिप होना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं था, इसकी वजह से ही क्या हुआ था, रिवोल्ट 1857 में इंडिया हार गए थे एंड ब्रिटिशर्स जीत गए थे, है ना. पर जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उस वक्त ही द एरा ऑफ सोशल रिफॉर्म्स स्टार्टेड आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 सप्रेस हुआ, उस वक्त से ही सोशल रिफॉर्म स्टार्ट होने लगे, ठीक है, आफ्टर सप्रेशन ऑफ ए रिवोल्ट ऑफ 1857. दो इंडिया वॉज डिफीटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, बट उस वक्त से क्या हुआ, सोशल रिफॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो गए, ठीक है, सोशल रिफॉर्म स्टार्ट होगा इंडिया में. एंड रिवोल्ट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म. सो जो ये रिवोल्ट 1857 तो इंडिया वॉज डिफीटेड, पर वो हार के भी इंडिया में क्या हुआ, एक नेशनलिज्म,
ठीक है, यानी कि आपके देश के लिए कुछ करना है ना, वो सबके दिलों में छा गए, जैसे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए. सो रिवोल्ट ऑफ द सीड ऑफ नेशनलिज्म. और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी डिक्लाइन हो गए है ना, इट केम टू एन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इंडिया के, वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने डायरेक्टली देखना शुरू कर दिया इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो. पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी देखते थे, पर आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड है ना. सो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली देखने लगे. सो नेशनलिज्म भी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म भी हो गया सबके पास है ना. एंड देन लीडर रियलाइज दैट दे हैव टू रिमूव सोशल इविल्स फ्रॉम सोसाइटी एंड अचीव देयर गोल्स. सो पहले तो ये जो रिवोल्ट 1857 में डिफीट हुआ था इंडिया, इसका मेन रीजन क्या था, एक यूनिटी नहीं था है ना, और एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं था. पर आफ्टर 1857 ये सब होने के बाद ये जो लीडर्स है वो लोग समझ रहे हैं कि ये जो इंडिया के जो सोशल इविल्स है ना, जो कुप्रथा बोलते हैं हम इसे, जो है जो होता है सोसाइटी में, वो हमें रिमूव करना चाहिए, हटवाना चाहिए. अगर हमें हमारा गोल्स अचीव करना है तो हम इसे हटवाना चाहिए, ठीक है. वी हैव टू रिमूव इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल. क्या रिमूव करना चाहिए, सोशल इविल्स जो सोसाइटी में होता है ना, सोशल इविल्स वो हमें रिमूव करना चाहिए. एंड इन दिस केस, ये इन दिस केस क्या हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग इंडिया अ मोर प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री. तो ये जो लीडर्स हैं वो लोग सोचने लगे जो सोसाइटी में जो सोशल इविल्स है वो हम लोग को रिमूव करना चाहिए, हमें अपना हमारा गोल अचीव करने के लिए है ना. तो उस वक्त ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे है ना, उन लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम भूमिका निभाया. सोशल रिफॉर्मर्स ने इंडिया को एक प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छा है ना, और जो नैरो माइंडेड है, जैसे कि प्रोग्रेस फॉरवर्ड लुक, जैसे कि आगे अपने आपके देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए है ना, ये सब किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सोशल रिफॉर्मर्स ने, ठीक है. एंड दे फॉर अगेंस्ट दिस सेवरल सोशल इविल्स. तो मैंने अभी जो हमने सोशल इविल्स के बारे में बोला, मैंने कब से स्टार्टिंग से सोशल इविल्स सोसाइटी के जो इंडियन सोसाइटी के जो सोशल इविल्स है वो हम लोग को रिमूव करना चाहिए है ना, मैं यही बोल रही थी. तो ये जो सोशल इविल्स है, ये जो सोशल इविल्स क्या है, ठीक है, वो सोशल इविल्स क्या है जो हमारे इंडिया में है और लीडर्स रिमूव करना चाहते थे अपना एम अचीव करने के लिए, वो सोशल इविल्स है सती प्रथा. ठीक है, सती प्रथा जहाँ पर क्या होता है, सती जैसे कि एक हस्बैंड, यानी कि एक पति मर जाता है तो उसका वाइफ भी उसका जो डेड बॉडी है ना, तो उसके ऊपर ही बैठ के जल के मर जाता है. तो ये हुआ सती प्रथा. एंड आफ्टर दैट एंड इट इज़ वेरी पेनफुल ना, अगर आप घर पर बैठे हो और अगर आप खाना बनाते हो या भी कुछ भी करते हो, अगर छोटा सा आग भी आपके हाथ में पड़ जाएगा तो कितना दर्द होगा ना. सो इट इज़ वेरी पेनफुल. यहाँ पर तो देखो जिंदा इंसान ही वहाँ पर जल के मर रहा है, ये दिस इज नॉट गुड, दैट इज सती प्रथा. सो सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज, जैसे कि अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, स्कूल आते हो, आप लोग पढ़ते हो है ना, पढ़ने को कितना मज़ा आता है, आप लोग को जो भी करना है वो करते हो, और घर जाके आप लोग कुछ काम भी नहीं करना पाता है, आपका मम्मी कर देता है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप घर जाके खाते हो, पढ़ते हो, होमवर्क करते हो, सोते हो, आपके दोस्त के साथ खेलते हो है ना, और आपका जो भी काम है वो आपका मम्मी कर देता है ना, वी ऑल एंजॉय दिस. पर ये जो चाइल्ड मैरिज है वहाँ पर आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके जो छोटे यानी कि 2-3 years में आपका शादी हो जाएगा. एंड देन यू हैव टू लुक टूवर्ड्स योर इन लॉज है ना, आप लोगों जो जो आप लोग जो ससुराली है वहाँ पर, आप लोग ससुराल होता है वहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा. और दिस चाइल्ड मैरिज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि बचपन छीन जाता है चाइल्ड मैरिज से, जैसे कि आप लोग अभी खेलते हो, पढ़ते हो, ये सब छीन जाता है चाइल्ड मैरिज से. कास्टिज्म, जैसे कि
अपर क्लास या लोअर क्लास है ना, जो अपर क्लास होते हैं जो और जो लोअर क्लासेस पीपल होते हैं, जो लोअर क्लास पीपल ने टच किया हुआ खाना नहीं खाना, उसके लिए अलग ही कुआ बनाना है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. सो ये रहा इविल प्रैक्टिसेस इन ए सोसाइटी. सो ऑल दी सोशल रिफॉर्मर्स वॉन्टेड टू रिमूव दिस सोशल इविल्स, दैट इज सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म एंड ऑल. ओके, ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन. Now we will move towards the social reformers. तो ये social reformers ये सब सोच लेंगे इसे हम remove करना चाहिए अगर हमें हमारा goal achieve करना है तो, ठीक है. और तो social reformers different types, there are number of social reformers है ना, बहुत ज़्यादा social reformers था. उसमें से हम पहले देखेंगे राजा राम मोहन रॉय. Okay, Raja Ram Mohan Roy. So he is a Raja Ram Mohan Roy. You can have a look over here. He is Raja Ram Mohan Roy. Okay, so ye Raja Ram Mohan Roy kaun hai? Raja Ram Mohan Roy is known as the maker of modern India. So he is known as the maker of modern India. Raja Ram Mohan Roy ko maker of modern India bhi bolte hain. And he is the founder of the Brahmo Samaj. So Raja Ram Mohan Roy jo hai wo Brahmo Samaj ke founder bhi hai. ठीक है. और ये जो ब्रह्म समाज है जिसे राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है, इट इज ही वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. And he also played an important role in abolishing sati pratha. तो मैंने अभी जो आप लोगों को sati pratha बोला है ना, sati pratha क्या है और इसे abolish करने, इसे हटवाने के लिए भी राजा राम मोहन रॉय ने बहुत important role play किए थे है ना. और ये जो sati pratha मैंने अभी बोला आप लोगों को, जो पत्नी होता है वो जो पति होता है वो मरा हुआ होता है ना, उसके ऊपर ही बैठ के अपने आप को जला देना, तो ये प्रथा है. I don't want to die है ना, वो कि क्योंकि उसके बच्चे भी होते, छोटे छोटे बच्चे भी होते, तो it is not fair. जिंदा जल जनत कितना दर्द होता है, तो इससे जो सती प्रथा है उसे रिमूव करने के लिए भी ये जो राजा राम मोहन रॉय है उन लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट. राजा राम मोहन, इट वॉज विथ हिज एफर्ट दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक एनफोर्स सर्टन लॉज टू अबोलिश सती प्रथा. तो राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्होंने एक लॉ पास किया सती प्रथा है ना, सती प्रथा को रोकने के लिए. किसकी कहने पर? राजा राम मोहन रॉय कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉ पास किया, ठीक है, इन ऑर्डर रिमूव दिस सती प्रथा. सो राजा राम मोहन रॉय कौन थे? ही इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज. और ये ब्रह्म समाज क्या है? इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. इट वॉज विच इज एफर्ट दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक एनफोर्स सर्टन लॉज टू अबोलिश सती प्रथा. सो राजा राम मोहन इज द फर्स्ट रिफॉर्मर. एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्वामी दयानंद सरस्वती. ठीक है, नंबर टू पर आता है स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म. सो स्वामी विवेकानंद क्या थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल, यानी कि एक विवेकशील इंसान था ना, विवेकशील इंसान थे, रेडिकल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, सोसाइटी एंड रिलीजियस रिफॉर्म करना चाहते थे विवेकानंद. एंड राजा राम मोहन रॉय का द फाउंडर क्या हुआ? ब्रह्म समाज. ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज. सो स्वामी दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज. सो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ब्रह्म समाज का होगा राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती का होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज. एंड propagated egalitarian approach to the Vedas. So Swami Dayananda Saraswati. आप लोग देख सकते हैं इमेज, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है, कौन है ना,
तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने क्या किया, एक जो हमारे इंडिया में वेदा पढ़ने के लिए है ना, वो सिर्फ हायर क्लास को ही नहीं, सब लोग को इक्वल से ही वेदा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप लोग वेदा पढ़ोगे तो अच्छा होगा ना सबके लिए, है ना, तो आप लोग को न्यू नॉलेज मिलेगा। तो उसने स्वामी दयानंद सरस्वती है उसने क्या बोला, ये जो वेदा से हम सब लोग को इक्वली पढ़ना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, है ना। एंड और क्योंकि उस वक्त हमें इंडिया में बहुत कास्टिज्म थे, क्योंकि जो लोअर क्लासेस पीपल है उसके हाथों से जो भी दिया होता था वो अपर क्लासेस पीपल नहीं खाते थे, सो ये कास्टिज्म था। और ये वेदास वैसा ही था, सिर्फ अपर क्लासेस ही पढ़ पाते थे वेदास, पर ये जो लोअर क्लासेस पीपल है वो लोग तो वेदा नहीं पढ़ पाते थे। सो ये जो जो कास्टिज्म, सो ये जो अनइक्वालिटी होता है ना जो सोसाइटी में, उसे रिमूव करना चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। So he is our next social reformer. So after him, Ishwar Chandra Vidyasagar. ठीक है? Ishwar Chandra Vidyasagar हम देखते हैं। Ishwar Chandra Vidyasagar supported the cause of abolition of child marriage and equality of all castes. Caste. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उसने ये जो चाइल्ड मैरिज है, जिससे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया चाइल्ड मैरिज क्या होता है, इससे आप लोगों का बचपन छीन जाता है, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, खेल कूद कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये जो चाइल्ड मैरिज होता है वो उसके खिलाफ थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, और उसे अबोलिश करना चाहते थे। एंड ही प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल ये क्या करने के लिए, चाइल्ड मैरिज अबोलिश करने के लिए। और चाइल्ड मैरिज के अलावा जो मैंने अभी कहा आप लोग को, ये जो कास्टिज्म होते थे इंडियन सोसाइटी में, जैसे कि हायर कास्ट पीपल एंड लोअर कास्ट पीपल, और जो लोअर कास्ट पीपल है उसे छुआ हुआ कुछ नहीं खाते थे, है ना, ये सब जो सिस्टम होता है ना इनइक्वालिटी कास्टिज्म का, वो भी रिमूव करना चाहते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चाइल्ड मैरिज एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्टेज, ही ऑल्सो फेवर्ड विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। तो पहले तो लड़कियों को सिर्फ घर पर ही काम करना पड़ता था, पढ़ने नहीं देते थे, और ये जो विडो होते थे है ना, जिसका पति मरा हुआ होता है, विडो होता है, वो लोग भी जो खुशी नहीं मना पाते थे, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन के बैठना पड़ता था, है ना, और अपना जो बाल है वो भी कटवाना पड़ता था, ऐसा होता था विडो वो। फिर से अभी जो आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड जो अभी दूसरा शादी करता है ना, वैसा नहीं होता था। अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसे घर से भी निकाला जाता था, और एक जो आश्रम होता है वहाँ पर जाके बैठना पड़ता था विडो, है ना, क्योंकि वो लोग मानते थे कि बैकलॉग है ना, अच्छा नहीं है विडो, विधवा जो होता है वो लोग अच्छा नहीं है। सो ये जो विडो है, विडो को भी दोबारा शादी करना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है ना। और जो और ये जो लड़की होता है, वुमेन्स होता है, उन लोग को भी पढ़ना भी चाहिए। सो ये किसने सपोर्ट किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और ये प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस पॉइंट, ही ऑल्सो हैड मील्स विद द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर सेक्शन, ठीक है। और ये प्रूव करने के, इक्वलिटी होना चाहिए सोसाइटी में, है ना, ये सब प्रूव करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लोअर क्लासेस पीपल जो है ना, जिसे अछूत माना जाता है वो सोसाइटी में, है ना, उसके साथ बैठ के खाना भी खाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सो ये रहा हमारा सोशल रिफॉर्मर जो हमने आज के क्लास में पढ़ा। सोशल रिफॉर्मर आज के क्लास में हमने पढ़ा, दिस वन इज राजा राम मोहन रे के टॉपिक में हमने पढ़ा, और आफ्टर दैट स्वामी विद्यानंद सरस्वती, आफ्टर दैट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्मर्स है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे हमारे इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, है ना, जो इविल प्रैक्टिसेस इंडिया में जो प्रिवेल होता है, जैसे कि अभी तो आप लोग सती प्रैक्टिस नहीं देखते हो, है ना, चाइल्ड मैरिज भी नहीं देखते हो, और विडो रिमैरिज अभी चलता है ना, जो विडो होता है उसका वो बाल कटवा के आश्रम में तो नहीं रहता, अभी विडो रिमैरिज भी होता है, वुमेन्स एजुकेशन यानी कि लड़की भी पढ़ते हैं अभी तो, है ना। सो अब लोग ऐसा अब नहीं देखते हो, ये किसके वजह से हुआ, ये सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से। और ये जो तीन सोशल रिफॉर्मर्स है उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्मर्स है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आज इस टॉपिक में हम सिर्फ तीन ही देखेंगे, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
after this we will move towards the formation of the Indian National Congress. So Indian National Congress ka formation kaisa hua tha wo dekhenge, theek hai. So formation of the Indian National Congress, Alan Octavian Hume founded the Indian National Congress in 1885. So ये इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फॉर्म किया था? 1885 में अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने फॉर्म किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इंडिया के पहला पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी. क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस? कब बनाए थे? 1885. किसने किया था? अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी. It was formed to draw the attention of the British government towards the problem faced by the Indians. So ये जो Indian National Congress है, ये जो Alan Octavian Hume ने 1885 में form किए थे, and it is the first political party in India. ये किसके लिए बनाए थे? ये जो British government है ना, ये जो British government का attention कहाँ पर जाए? ये जो प्रॉब्लम फेस करा है इंडियंस डे बाय डे, है ना, क्योंकि वो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो नहीं देख पा रहे थे इंडियंस क्या फेस कर रहे थे डे बाय डे प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में, है ना, वो नहीं देख पा रहे थे. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान उधर ले जाने के लिए, इंडियन का जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर ले जाने के लिए ये INC फॉर्म किए थे, ठीक है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट INC, दिस वर द मेंबर ऑफ द INC. जब INC फॉर्म हुआ था दिस वर द मेंबर्स, ठीक है, फर्स्ट INC. ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए. एंड सिंस इन शॉर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी रेडिकल चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स. और उसके बाद जब INC फॉर्म हुआ उसके बाद ये जो INC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, और पॉलिटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द INC. और जो इंडिया है, इंडिया में कितना सारा लोग रहते हैं, है ना, और जो डिफरेंट पीपल जो है इंडिया के, वो सब INC ज्वाइन करने के लिए आने लगे. धीरे धीरे बहुत डेवलप बहुत फैलता गया INC, ठीक है. एंड देयर आर नंबर ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज हु वेयर द मेंबर ऑफ द INC, ठीक है. तो INC ब्रिटिश को फोकस करने, जो इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर फोकस करने के लिए बनाया था. तो ये हुआ. और ये जो INC तो बनाया, डिफरेंट पीपल भी ज्वाइन करने लगे, है ना, पर ये जो INC है वो आगे जाके, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो गया. INC फर्दर डिवाइडेड इंटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो क्या हुआ, INC आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो गया, और वो रहा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. तो ये मॉडरेट्स क्या है, कौन है, कैसा सोचते हैं, वो देखेंगे. पहले हम मॉडरेट्स के बारे में देखेंगे. दे एम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन मीटिंग्स एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट. तो ये जो मॉडरेट्स है ना, क्योंकि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे जाके दो भाग में डिवाइड हुए थे, एक रहा मॉडरेट्स एंड दूसरा रहा एक्सट्रीमिस्ट, है ना. और ये जो मॉडरेट्स है, मॉडरेट्स क्या में बिलीव करते थे, किस बात में बिलीव करते थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें डिस्कस करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए ब्रिटिश के साथ, अब बार बार रिक्वेस्ट करना चाहिए, उस वक्त उसके बाद ही उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ठीक है. ये मानना था मॉडरेट्स का. और दे ऑल्सो बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस. तो ब्रिटिश हमें जस्टिस देगा, बिलीव इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, इसमें भी बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स हमें जस्टिस देगा, है ना, ये सब मॉडरेट्स बिलीव करते थे. तो और इसके अंडर जो आता है वो है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड बद्रुद्दीन त्यागजी. सो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बद्रुद्दीन त्यागजी है वो आते हैं अंडर दी मॉडरेट्स, क्योंकि वो लोग बिलीव करते, ये सब जो लोग हैं वो फेमस पर्सनैलिटी जो है, ये सब बिलीव करते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस किया जाए, अगर मीटिंग रखा जाए बार बार और बार बार रिक्वेस्ट किया जाए तो उसका सोल्यूशन होगा, ये सब मानना था मॉडरेट, ठीक है. और इज ए नेशनलिस्ट के व्हाट दे ऑल बिलीव,
इसे हम नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के नेशनलिस्ट, NATIONALISTS, ओके। इस क्लास में सिर्फ हम मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नॉट दिस वन, ओनली मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट। तो हम देखेंगे नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट कौन थे, वो क्या सोचते थे। मॉडरेट्स का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, वो लोग डिस्कस करने या मीटिंग करने बिलीव करते थे। और ये जो नेशनलिस्ट थे, दे बिलीव दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स, THEIR, फॉर देयर राइट्स। सो नेशनलिस्ट बिलीव करते वो उन लोग को फाइट करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। सो नेशनलिस्ट जो है वो फाइट करने बिलीव करते थे, अपने जो राइट्स है वो अचीव करने के लिए दे हैव टू फाइट। एंड अंडर दिस कम्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड बिपिन चंद्र, ये जो भी है वो सब नेशनलिस्ट थे। और ये लोग बिलीव करते कि अपना गोल अचीव करना है तो आप लोग को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दे आर दी नेशनलिस्ट। In 1907, at the Surat session, of Congress, there was a major difference in the opinion of the moderate and nationalist. So, ये जो Surat session है 1907 में हुआ था, है ना, उस वक्त क्या हुआ, ये जो nationalist and moderates का जो सोच है ना, जो इनका different ideas है, उसमें बहुत अंतर होते चला गया, ठीक है, बहुत difference होते चला गया। इसीलिए तो आगे जाके nationalist and moderates है वो दो भाग, वो different यानी कि divided हुआ था, है ना, divided हुआ था, बिकॉज दे हैव देयर ओन आइडिया, वो एक दूसरे से नहीं मिलते थे, उसका अलग अलग ही सोच थे मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट। सो ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप है ना, ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप है वॉज नेम वॉज नेम लाल बाल एंड पाल। सो ये स्वस्वीट में जाके एक्सट्रीमिस्ट एंड नेशनलिस्ट दो भाग में डिवाइड तो हो गए। और ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप है इसका नाम क्या हुआ, लाल बाल एंड पाल। तो ये लाल बाल पाल क्या थे, ठीक है, ये इंसान के नाम से वो बनाया था लाल बाल एंड पाल। लाल है ना, लाल एल ए लाल यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल बी ए एल बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल दैट इज बिपिन चंद्र पाल। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लाल बाल एंड पाल। नेशनलिस्ट ग्रुप वॉज नेम्ड लाल बाल एंड पाल आफ्टर लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and Pal, Bipin Chandra Pal. They also advocated the total boycott. और उन लोग ने टोटल बॉयकॉट भी किया, ठीक है, बॉयकॉट सपोर्ट किया। बॉयकॉट यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स का जो गुड्स है जो इंडिया में आता है वो नहीं चलाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। जो स्वदेशी में उन लोग ने स्वदेशी में एडवोकेट किया है ना, यानी कि स्वदेशी सपोर्ट किया उन लोग ने। स्वदेशी यानी कि आपके जो इंडिया में जो भी मिलता है, जो भी कपड़ा बनता है वो देश से बनाया हुआ ही, जो फॉरेनर्स जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोर्ट किया था उनके देश से, वो सब बॉयकॉट करने के लिए उन लोग ने सपोर्ट किया। किसने, नेशनलिस्ट ग्रुप। सो दिस इज लाल लाजपत राय, लाल है ना, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये कौन है, लाल लाजपत राय है, ये बाल गंगाधर तिलक है एंड ही इज बिपिन चंद्र पाल। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द INC एंड हाउ इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड नेशनलिस्ट। सो टुडे वी हैव डन इंट्रोडक्शन एंड सोशल रिफॉर्मर्स, है ना, हमने तीन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़े
एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और किसे दो भाग में डिवाइड होते गया, नेशनलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेनम, ये सब हमने देखा। और इसके अलावा ये जो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू दिस मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक आप ये सब रिविजन करते रहिए, और ये जो दो टॉपिक है नीचे के, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।